लोग प्यार के लिए होते हैं और चीजें इस्तेमाल के लिए। बात तब बिगड़ती है जब चीजों से प्यार किया जाए और लोगों को इस्तेमाल किया जाए। जिंदगी में मंजिल तो मिल ही जाती है, लेकिन वो लोग नहीं मिलते जिन्हें दिल से चाहा हो। कचरे के डिब्बे में पड़ी रोटियां ये राज बयां करती हैं कि पेट भरते ही इंसान अपनी औकात दिखाने लगता है। जिनकी वफा पर नाज हमें, वो हमराज बदलते देखे हैं। हालात बदलते ही सबके अंदाज बदलते देखे हैं। कोई नहीं देगा साथ तेरा यहां, हर कोई खुद में ही मशगूल है। जिंदगी का बस एक ही उसूल है, यहां तुझे गिरना भी खुद है और संभलना भी खुद है। अच्छाई के पीछे कोई नहीं जाता, बुराई के पीछे सभी जाते हैं। शराब बेचने वाला कहीं नहीं जाता, दूध बेचने वाले को गली गली घूमना पड़ता है। ना पूरी तरह से काबिल, ना पूरी तरह से पूरा है, हर एक शख्स कहीं ना कहीं से अधूरा है। किसी एक्सरे में भी नहीं आते वो जख्म जो अपने दे जाते हैं। जरूरी नहीं कि जिनमें सांसें नहीं वही मुर्दा हैं, जिनमें इंसानियत नहीं वो भी तो मुर्दा हैं। कुछ लोग अपनी जिंदगी उन लोगों के लिए खराब कर लेते हैं जिन्हें उनकी कोई फिक्र ही नहीं होती है। सबक तो बहुत सिखाया है तूने ऐ जिंदगी, शुक्रिया तेरा कि किसी का दिल दुखाना नहीं सिखाया। कितनी जल्दी दूर जाते हैं वो लोग जिन्हें हम जिंदगी समझकर कभी खोना नहीं चाहते। इंसान सुनता आधा है, समझता चौथाई है, सोचता शून्य है, लेकिन प्रतिक्रिया दुगनी देता है। शब्दकोश में मिलता नहीं अर्थ है, इंसान को समझने में इंसान ही असमर्थ है। सबसे ज्यादा नफरतों का सामना सच बोलने वालों को और लोगों की भलाई करने वालों को ही करना पड़ता है। किस मोड़ पर ले आई है ऐ जिंदगी, अपने ही घर जाने के लिए दूसरों से इजाजत लेनी पड़ती है। मोह में हम बुराइयां नहीं देख पाते और घृणा में हम अच्छाइयां नहीं देख पाते। मनुष्य खुद ईश्वर तक नहीं पहुंचता है, बल्कि जब वो तैयार होता है तो ईश्वर खुद उसके पास आते हैं। जितना हो सके सरल और सच्चे बनने की कोशिश करें, स्मार्ट बनने की नहीं। हमें ईश्वर ने बनाया है, सैमसंग ने नहीं। लोगों को उतनी ही इज्जत दो जितने में अपनी कम ना हो। ज्यादा इज्जत देने में कुछ लोग सिर चढ़ जाते हैं। बोलकर सोचने से अच्छा है सोचकर बोला जाए, आधे झगड़े तो यूं ही खत्म हो जाएंगे। तुझ पर खर्च करने के लिए बहुत कुछ नहीं था मेरे पास, थोड़ा वक्त था थोड़ा मैं था, दोनों बर्बाद हो गए। न जाने क्यों डरते हैं लोग मौत से, एक यही तो देती है आजादी जिंदगी की जंजीरों से। कभी ना कहो कि दिन अपने खराब हैं, समझ लो कि हम कांटों से गिरे हुए गुलाब हैं। तकलीफ की सुरंगों से जब गुजरती है जिंदगी तो अक्सर अपने हाथ और साथ दोनों छोड़ देते हैं। अपने आप को ऐसा बना लो कि कोई तुम्हारे साथ हो या ना हो, तुम्हें किसी चीज का गम ना हो। मैं कल को तलाशता रहा दिन भर और शाम होते होते मेरा आज भी डूब गया। कोई मुझसे पूछ बैठा बदलना किसको कहते हैं, सोच में पड़ गया हूं, मिसाल किसकी दूं, मौसम की या अपनों की। ये भी अच्छा है कि यह दिल सिर्फ सुनता है, अगर बोलता होता तो कयामत हो जाती। मदद सबकी वही करता है जिसका दिल सच्चा होता है, वरना लालची इंसान तो अपने माँ बाप को भी भूल जाता है। कड़वा है पर सच है, अगर इंसान खुद की गलतियों को अपनी उंगलियों पर गिनने लगे तो दूसरों की जिंदगी में उंगली करने का वक्त ही नहीं मिलेगा। दो मीठे बोल बोलने से किसी का खून बढ़ जाए तो वो भी एक प्रकार से रक्तदान है। खुशियां तकदीर में होनी चाहिए, तस्वीर में तो हर कोई मुस्कुराता है और
कितने इम्तिहान लेगा वक्त तू, जिंदगी मेरी है फिर मर्जी तेरी क्यों। किसी को अपनी जान से ज्यादा चाहने का इनाम, दर्द और आंसू के अलावा कुछ नहीं मिलता। जीवन में हर तूफान नुकसान करने ही नहीं आता, कुछ तूफान रास्ता साफ करने भी आते हैं। जब आप किसी पर बिना किसी शक से पूरी तरह भरोसा करते हैं तो आपको अंत है, दोनों में से एक परिणाम मिलता है। जीवन के लिए एक व्यक्ति या जीवन के लिए एक सबक, बहुत बुरी तरह तोड़ते हैं लोग अच्छी तरह जानने के बाद। ज्यादा देने वाला हमेशा से ठगा गया है, फिर चाहे वो प्रेम हो, साथ हो या विश्वास हो। आज के जमाने का कड़वा सच। पहला, परिवार से सगा आपका अपना कोई नहीं हो सकता। दूसरा, गरीब का हर कोई दोस्त नहीं हो सकता। तीसरा, आज भी लोग अच्छी सीरत वाले पर ध्यान नहीं देते, बल्कि अच्छी सूरत वाले पर ध्यान देते हैं। चौथा, आज के जमाने में इज्जत सिर्फ पैसे की होती है, इंसान की नहीं। पांचवां, किसी का सच जानकर अगर आपने उसे उसकी सच्चाई से अवगत करा दिया तो वही आपका दुश्मन हो जाएगा। आजकल जरूरत तय करती है किसके साथ कब तक और कितना मीठा बोलना है। इतिहास गवाह है, प्यार के बदले प्यार नहीं, धोखा ही मिलता है। जो दूसरों का हक और खुशी छीन लेता है उसका हिसाब वक्त जरूर लेता है। सिर्फ धोखा ही शुद्ध मिलता है इस जमाने में, बाकी तो हर चीज में मिलावट है। खुशियों के लिए कार की नहीं, प्यार की जरूरत होती है। जैसे जैसे आयु बढ़ती है तुम्हें ये एहसास होने लगता है कि तुमने व्यर्थ ही उन लोगों को महत्व दिया जिनका तुम्हारे जीवन में कोई योगदान था ही नहीं। परिवार में चल रहे अनबन को हमेशा राज रखना चाहिए, वरना ऐसी खबरों को लोग बड़ी दिलचस्पी से फैलाते और मजाक बनाते हैं। भले ही उनके घर में खुद महाभारत हो रहा हो, चाय और चरित्र जब भी गिरता है तो ऐसा दाग लगाता है कि धोने से भी नहीं जाता है। अपने काम से काम रखना भी बड़ा मुश्किल काम है। भरोसा उसी पर करना जो साथ निभाने के लायक हो, वरना कुछ पल का साथ तो जनाजा उठाने वाले भी देते हैं। बदला लेने से बेहतर होता है सबक लेकर आगे बढ़ जाना, यही समझदारी है। एकता मिट्टी ने की तो ईंट बनी, ईंट ने की तो दीवार बनी, दीवार ने की तो घर बना। ये सब बेजान चीजें हैं, ये जब एक हो सकते हैं तो हम तो इंसान हैं। हम झूठों के बीच में सच बोल बैठे, वो वह नमक का शहर था और हम जख्म घोल बैठे। जिंदगी की मिसाल लूडो से समझो, उम्मीद हमेशा छह की होती है लेकिन एक भी आए तो चलना पड़ता है। संघर्ष के समय कोई नजदीक नहीं आता और सफलता के बाद किसी को आमंत्रित नहीं करना पड़ता। लोग जीवित इंसान से ठीक से बात नहीं करते और मरने के बाद हिला हिला के पूछते हैं, तू बोलता क्यों नहीं, हाल पूछता नहीं यहां कोई जिंदा लोगों का। मर जाओ तो चले आते हैं जनाजों पर बारात की तरह। दुनिया की सबसे खूबसूरत म्यूजिक आपकी अपनी हार्टबीट है, क्योंकि इसे खुद भगवान ने कंपोज किया है। इसीलिए हमेशा दिल की सुनो, सिर्फ हम ही हैं तेरे दिल में बस। यही गलतफहमी हमें बर्बाद कर गई, अब वफा की उम्मीद भी किससे करें भला। मिट्टी के बने लोग कागजों में बिक जाते हैं, फिर नहीं बसते वो दिल जो एक बार टूट जाएं। कब्रें कितनी भी संवारो कोई जिंदा नहीं होता। हजारों से बात बिगड़ी
तब तुझे अपनाया था, लेकिन तुम भी वही निकले जो लोगों ने बताया था। शख्सियत अच्छी होगी तभी दुश्मन बनेंगे, वरना बुरे लोगों की तरफ देखता कौन है। तीन चीजें कोई चुरा नहीं सकता, अक्ल, चरित्र और हुनर। इस कद्र बढ़ गए हैं जमाने में सभी। अगर भगवान भी आकर कहे कि मैं भगवान हूं तो लोग पूछ लेंगे किसके। केवल गुड़ होना ही पर्याप्त नहीं, स्वयं को मक्खियों से बचाना भी उतना ही जरूरी है। लोग बड़े लोगों की भूल को अनुभव कहते हैं और छोटे आदमी की भूल को मूर्खता कहा जाता है। आग भी क्या चीज है, कभी कभी बातों से भी लग जाती है। क्षमा उन फूलों के समान है जो कुचले जाने के बाद भी खुशबू देना नहीं भूलते। जिंदगी से मिला अनुभव सिर्फ यही सबक सिखाता है, उतना ही मिलो किसी से जितना वो मिलना चाहता है। जीवन में उजाला चाहिए तो खुद का दिया जलाओ, दूसरों की मोमबत्ती के सहारे जिंदगी रोशन नहीं हुआ करती। सोचते थे प्यार देखकर वक्त दिया जाता है, लोगों ने सिखा दिया वक्त देखकर प्यार करना। जख्म भर जाते हैं, निशान रह जाते हैं, दिल टूट जाते हैं, अरमान बाकी रह जाते हैं। मैंने अक्सर देखा है टूटा हुआ इंसान अक्सर अकेले रहना ही पसंद करता है। हम भी फूलों की तरह कितने बेबस हैं, कभी किस्मत से टूट जाते हैं, कभी लोग तोड़ जाते हैं। अंदर से टूटा हुआ इंसान चाहे कितना भी मुस्कुरा ले, लेकिन उसकी मुस्कुराहट के पीछे का दर्द हमेशा दिख ही जाता है। मुश्किल तो तब होती है जब इंसान अंदर से टूटा हुआ हो और उसे मजबूरी में अपनों के लिए मुस्कुराना पड़ रहा हो। खामोशी अक्सर रिश्ते तोड़ देती है। बोल लिया करो या लड़ लिया करो। आंखों से गिरे आंसू और नजरों से गिरे लोग कभी वापस नहीं उठते। जिंदगी के सफर में बस इतना ही सबक सीखा है। सहारा कोई कोई ही देता है, धक्का देने को हर शख्स तैयार बैठा है। अपना पूरा समय खुद को बेहतर बनाने में लगाओ, क्योंकि अब रिश्ते इंसान से नहीं पैसों से बनने लगे हैं। दूसरों का भला करने वाले मनुष्य को हमेशा कष्टों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हमेशा फल देने वाले वृक्ष को ही पत्थरों की मार झेलनी पड़ती है। जिंदगी में कुछ गलत हो जाए तो घबराना मत, क्योंकि दूध फटने पर वही लोग घबराते हैं जिन्हें पनीर बनाना नहीं आता। आखिर लोग ऐसे क्यों होते हैं? जब उन्हें अपने मतलब की बात करनी होती है तो वह कितने अच्छे से बात करते हैं, और जब मतलब नहीं होता है तो अंदाज ही बदल देते हैं। किसी सही इंसान के साथ इतना भी गलत मत करना कि उसके साथ किए धोखे का पछतावा सारी जिंदगी करना पड़े। इंसानी फितरत भी बड़ी अजीब है साहब, वो भागता भी उसके पीछे है जो उसका था ही नहीं।